नमस्कार। खजूर यानि डेट्स, क्या ये हेल्थ के लिए अच्छा है? क्या इसे रेगुलर व्यक्ति को, डायबिटिक्स को, हाइपरटेंसिव्स को, हार्ट पेशेंट्स को खाना चाहिए? इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आज इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफ़ी कॉमनली खाए जाने वाला ये ड्राई फ्रूट है, काफ़ी ज़्यादातर लोग इसे पसंद करते हैं और काफ़ी ईजीली अवेलेबल भी है, लेकिन इसके साथ कुछ स्पेसिफिक इश्यूज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे कि ये वाकई में हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है, कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है, उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। खजूर यानी डेट्स एक काफ़ी न्यूट्रिएंट रिच प्रोडक्ट है। इसमें डाइटरी फाइबर अच्छा होता है, पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6 और आयरन, ये तत्व अच्छे होते हैं जो कि आपकी ओवरऑल विटामिन मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा है जो कि कॉन्स्टिपेशन वाले मरीज के लिए अच्छा है, आपकी बाउल मूवमेंट्स को रेगुलराइज करता है। जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन है उसको खजूरों को लेना चाहिए, इससे फाइबर कंटेंट मिलता है। नेचुरल स्वीटनर है जिसको आप रेसिपीज वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं, शुगर के बदले यूज़ कर सकते हैं। रिफाइंड शुगर को लोग जो लोग अवॉइड करना चाहते हैं या ना पसंद करते हैं या उसके नुकसान से परेशान है, उसको एक नेचुरल स्वीटनर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसका पाउडर या इसका एक्सट्रैक्ट को, और इससे चीज़ों को मीठा बना सकते हैं। एनर्जी काफ़ी देता है, कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि क्विक और जल्दी आपको एनर्जी देता है। यदि आप कहीं बाहर भी जा रहे हो, कोई स्पेसिफिक काम के लिए जा रहे हो, कहीं आप आउट ऑफ स्टेशन हो, एक स्नैक की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको अपने टिफिन में या अपने साथ इसको ले जाते हो तो आप इसको एज अ स्नैक यूज़ कर सकते हो, जिसको आप कहीं पर भी खा सकते हो। क्लीन है, प्लांट प्रोडक्ट है, इसलिए बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक नहीं होता है, और कंपेरेटिवली इसको एनर्जी सोर्स की तरह आप यूज़ कर सकते हो कि आपने थोड़े बहुत पीसेस भी अगर खा लिए तो आपको कुछ घंटे तक कंपेरेटिवली एनर्जी सोर्स की और ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अच्छा स्नैक की तरह यूज़ कर सकते हो ऑन द गो। इसके अलावा एंटी ऑक्सीडेंट तत्व में अच्छा है, फ्लेविनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, फिनोलिक एसिड, ये इसमें तत्व होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिलेटेड डैमेज को कम करते हैं, क्रॉनिक डिजीज को कम करते हैं। इसके अलावा हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, यदि इसमें हार्ट पेशेंट्स को लेते हैं तो इसमें पोटाशियम और मैग्नीशियम कंटेंट अच्छा है, तो जो कि ब्लड प्रेशर को कम करता है, ओवरऑल आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। हड्डियों की हेल्थ के लिए अच्छा है, इसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस कंटेंट होता है जो कि आपकी हड्डियों की हेल्थ को इम्प्रोवाइज़ करता है, ब्लड शुगर को इम्प्रोवाइज़ करता है। डायबिटीज़ पेशेंट अगर इसको लेते हैं तो कंपेरेटिवली बाकी फ्रूट्स के तुलना में इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, तो यदि आप इसको लेते हो तो शुगर लेवल्स बहुत सडनली शूट नहीं करता। डायबिटिक पेशेंट्स के हिसाब से इसको अच्छा फ्रूट माना गया है, क्योंकि अगर आप इसके बदले आप डायरेक्ट नेचुरल शुगर लेते हो या रिफाइंड शुगर लेते हो तो शुगर लेवल बहुत जल्दी बढ़ता है, इसमें शुगर लेवल उतना जल्दी नहीं बढ़ता है। तो एक अच्छा प्रोडक्ट है जिससे आपका सडन शुगर नहीं बढ़ेगा, तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बहुत जल्दी नहीं बढ़ेगी। डाइजेशन के लिए अच्छा, इनसॉल्युबल फाइबर है तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी कम करने में मदद करता है, पेट के नॉर्मल बैक्टीरिया को भी इम्प्रूव करता है, और बेटर डाइजेशन और बावल मूवमेंट्स इससे होते हैं यदि आप इसको डाइजेशन के हिसाब से सोचते हैं या लेते हैं तो। ये तो हुए फ़ायदे और अच्छी अच्छी बातें, अब इसमें क्या नुकसान है? नुकसान ये है कि देखिए काफ़ी कैलोरी डेंस फूड है, इसमें नेचुरल शुगर्स होता है, तो थोड़े मात्रा में अगर आप इसको लेते हैं, 4-5 पीस अगर आपने लिया तो फिर भी चलेगा, ज़्यादा मात्रा में यदि आप इसको लेते हैं तो ये काफ़ी कैलोरी डेंस फूड है, वज़न बढ़ने का इसमें अंदेशा रहता है। क्योंकि भले इसमें फाइबर कंटेंट या कुछ भी है, लेकिन वो फाइबर कंटेंट मदद कब करता है, जब पेट आपका इससे भर जाए और आप खाने को अवॉइड कर दें। खाने के बदले अगर इसको लोगे तो फिर भी ठीक है, खाने के साथ में अगर लेंगे तो ये सिर्फ शुगर का अच्छा सोर्स है और आपका वज़न बढ़ाएगा। शुगर कंटेंट इसमें ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा मात्रा में अगर डायबिटिक पेशेंट्स लेते हैं तो शुगर को मैनेज करना मुश्किल होगा। अभी आपको एक विरोधाभास लगेगा कि अभी मैंने कहा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो शुगर वाले पेशेंट ले सकते, अभी मैं बोल रहा हूँ नहीं ले सकते। उसका बेसिक ये है कि आप इसको अगर बाकी फ्रूट्स के बदले ले रहे हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, आलू है, शकरकंद है या बाकी फ्रूट्स है जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स वगैरह ज़्यादा रहता है आम वगैरह का, उसके बदले आप इसको ले रहे हैं तो ये धीरे धीरे करके अब्जॉर्ब होगा, शुगर लेवल सडनली नहीं बढ़ेगा, तो उस हिसाब से अच्छा है। ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो हर फ्रूट नुकसान ही करता है, क्योंकि वो वज़न बढ़ाता है, वज़न बढ़ाएगा तो ओबेसिटी रिलेटेड, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बढ़ेगी। कुछ लोगों को ये पेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जिन लोगों को एसिडिटी, गैस का प्रॉब्लम है, ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, उनको ये ज़्यादा मात्रा में लेने से ब्लोटिंग का या गैस का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ज़्यादा फाइबर कंटेंट होता है तो वो कॉन्स्टिपेशन वाले पेशेंट के लिए तो अच्छा है,
ब्लोटिंग और गैस वाले पेशेंट के लिए बुरा है। कुछ लोग को इससे एलर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने से ये वज़न बढ़ा सकता है, थोड़ी मात्रा में लेने से ये ठीक है, वज़न कम करने में भी मदद कर सकता है अगर ठीक ठाक मात्रा में लिया जाए तो, क्योंकि अगर खाने के बदले लिया जाए तो ठीक है, खाने के साथ में लेंगे एक्स्ट्रा लेंगे तो वज़न बढ़ाएगा। इसके अलावा इसमें ऑक्सलेट तत्व होते हैं जो कि किडनी स्टोन्स के चांसेस को बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा मात्रा में इसको लेने से किडनी में पथरी होने का चांस बढ़ जाता है। ज़्यादा शुगर होने की वजह से दांतों की हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, दांतों में भी कीड़े पड़ने का, इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा इसमें इसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ सल्फाइड तत्व डाले जाते हैं जो कि इसको ख़राब होने से बचाते हैं, पर कुछ लोग को सल्फाइड से एलर्जी होती है, सेंसिटिविटी होती है, जो कि नुकसान उनको ये प्रिजर्वेटिव की वजह से हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी इस तरह की चीज़ें आप खाते हैं तो उसमें साथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कीटाणु आ सकते हैं जो कि किसी भी नेचुरल चीज़ें में आ सकते हैं। बहुत सारे तरह के कीड़े फ्रूट्स में अपना घर कर लेते हैं, आप इसको ध्यान से अगर नहीं खाते और प्रॉपरली क्लीन नहीं है, या कई बार क्लीन हो तो भी उसके अंदर कीड़े रह सकते हैं जो कि दिखाई ना दे, जो कि किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट के साथ हो सकता है जो फूड बॉर्न इलनेस की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा डायबिटीज़ वाले पेशेंट और ब्लड थिनर्स पे जो पेशेंट है उसमें इस खजूर को खाने से थोड़ा इंट्रैक्शन या रिएक्शन होने का चांस रहता है, दवाओं के असर को कम ज़्यादा कर सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स अगर ज़्यादा लेते हैं तो शुगर लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं तो खासकर वैसा फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ कमर्शियली अवेलेबल खजूर के सिरप्स और स्नैक्स जो रहते हैं जिसमें खजूर डाला जाता है, डेट डाला जाता है, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स और शुगर्स भी डाले जाते हैं जो कि हेल्दी नहीं होते और लोगों को नुकसान कर सकते हैं, यदि ज़्यादा मात्रा में इनको लिया जाए तो ये एडिटिव्स आपके लिए हेल्दी नहीं होते। इसके अलावा छोटे बच्चों के लिए चोकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इसमें एक हार्ड बीज होता है जिसको अगर गलती से आप निगल लेते हो तो चोकिंग होने का प्रॉब्लम हो सकता है, तो छोटे बच्चों के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सावधानी रखना पड़ेगा कि इससे चोकिंग हैजर्ड हो सकता है। इसके अलावा पेट का डिस्ट्रेस या पेट में दर्द हो सकता है, जिन लोगों को भी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है वो हाई फाइबर वाली चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं तो पेट में दर्द होने का उनको चांस हो सकता है। कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट में थोड़ा सा न्यूट्रिएंट लेवल का वेरिएबिलिटी हो सकता है, ये इसलिए है क्योंकि अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स उसमें डाले जाते हैं, उसको बड़ा बनाने के लिए या उसके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जितने फ्रूट्स पेड़ पर लग रहे हैं उसको बढ़ाने के लिए केमिकल्स यूज होते हैं जिससे उसके न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी में वेरिएशन आ सकता है। इसके अलावा उसको अगर खजूर को प्रॉपरली स्टोर नहीं किया गया तो वो क्योंकि मीठी चीज़ है उसमें कीड़े पड़ने का या इन्फेक्शन होने का चांस है, तो वो भी एक थोड़ा सा इशू रहता है। कोई भी मीठी चीज़ को सावधानी पूर्वक आपको स्टोर करना चाहिए। किस जगह से आप उसको ले रहे हो, किस सोर्स से ले रहे हो, उस पर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि हर जगह से जो आप परचेज करो सबका सेम न्यूट्रोफिक वैल्यू या उनका सेम क्वालिटी होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो आज हमने बात करी खजूर यानी डेट्स के कुछ फ़ायदे और नुकसान के बारे में। जो फ़ायदों के बारे में हमने बात करी कि ये न्यूट्रिएंट रिच है, इसमें फाइबर, मैग्नीशियम, विटामिन B6 और आयरन होता है, पोटाशियम होता है, डाइट्री फाइबर्स अच्छे होते हैं तो डाइजेशन इंप्रूव करता है, कॉन्स्टिपेशन में मदद करता है, स्वीटनर होता है इसलिए शुगर के बदले इसको यूज़ कर सकते हैं, एनर्जी डेंस होता है इसलिए एनर्जी दे सकता है, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे फ्लेविनॉइड्स, कैरोटीनॉइड और फिनोलिक एसिड होता है जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि पोटाशियम, मैग्नीशियम होता है, हड्डियों की हेल्थ के लिए अच्छा है क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है, ब्लड शुगर को कम करने में मदद करता है क्योंकि बाकी फ्रूट्स के कंपैरिजन में इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, डाइजेशन के लिए अच्छा है क्योंकि ये आंतों के नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा को इम्प्रूव करता है, फाइबर इसमें होता है इसलिए डाइजेशन के लिए अच्छा है। नुकसान ये है कि इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं तो ये कैलोरी डेंस है, इसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा मात्रा में खाने से ये आपका वज़न बढ़ा सकता है, कुछ लोग को इसे एलर्जी हो सकती है, ज़्यादा मात्रा में खाने से वज़न बढ़ सकता है, किडनी में पथरी बढ़ सकती है, दांतों में इन्फेक्शन हो सकता है, इसमें डाले हुए प्रिजर्वेटिव से सल्फाइड सेंसिटिविटी हो सकती है, इसमें जो कीड़े मकोड़े या कीटाणु होते हैं उससे इन्फेक्शन हो सकता है, डायबिटीज़ की मेडिसिन और खून पतला करने की दवाओं से इसका इंट्रैक्शन हो सकता है, छोटे बच्चे अगर इसको गलती से निगल जाए तो चोकिंग हो सकती है, इसमें कुछ एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स जो सिरप्स में डाले जाते हैं वो नुकसानदायक हो सकते हैं, पेट का जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है उनको पेट में दर्द हो सकता है फाइबर्स को ज़्यादा खाने से, और अलग अलग जगह पे जो इसकी न्यूट्रिफिक वैल्यू है उसकी वजह से अलग अलग तरह से जगह से जो आपने लिया उसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू में वेरिएशन आ सकता है, इसलिए सही सोर्स से इसको लें, सही जगह से इसको परचेज करें तो ज़्यादा अच्छा है, और इसकी स्टोरेज और शेल्फ लाइफ पर भी ध्यान रखना जरूरी क्योंकि ज़्यादा टाइम ये इन्फेक्शन इसमें ख़राब होने का चांस रहता है तो ये ज़्यादा टाइम तक शेल्फ में टिकता नहीं है अगर ढंग से नहीं रखा जाए। तो हमारा फाइनल वर्डिक्ट है कि थोड़ी मात्रा में लिया जाए या थोड़े बहुत पीसेस लिया जाए तो ये अच्छा प्रोडक्ट है,
लेकिन क्योंकि इसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है और ज़्यादातर आप मान के चलिए जब भी आप इस तरह के फूड प्रोडक्ट्स खाते हैं तो ज़्यादा ही खाया जाता है, बहुत कम ही लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो एक दो खाएंगे और दिन भर में उससे संतुष्ट हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग 5, 10, 15, 20 पीस खाते जाते हैं और दिन में कई बार खाते जाते हैं, जो कि अच्छा खासा कैलोरी का सोर्स बन जाता है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में तो बिल्कुल नहीं रहे, खासकर अगर आपको वजन का प्रॉब्लम और डायबिटीज़ का प्रॉब्लम या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, थोड़ी मात्रा में ये तो अच्छा है। जहाँ तक सवाल है विटामिन और मिनरल्स का, तो वो विटामिन मिनरल बहुत ज़्यादा नहीं मिलते हैं, इसलिए उनके चक्कर में आप बहुत ज़्यादा इसको ना खाएं। हेल्थ के लिए अच्छा है अगर थोड़ी मात्रा में लिया जाए, लेकिन वहीं अगर ज़्यादा मात्रा में किसी भी फ्रूट की तरह इसको लिया जाए तो ये नुकसानदायक हो सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। टॉपिक को अगर आपको पसंद आया तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे कंटेंट की आउटरीच बढ़े।